हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे दिस वेलकम इज़ अ न्यू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई मीन दैट आई एम स्विचिंग इन ऑटो सेक्शन टू एंड आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम माय बाइक एंड कार्स कलेक्शन। आई एम अ रेयर एंड एंटीक बाइक एंड कार लवर एंड आई लव देम मोस्ट। मेरा ये मानना है और मेरे दादा भी कहते थे और मेरे वालिद भी कहते हैं कि पुरानी को नया करके रखा तो आपने कुछ रखा, लेकिन नई को आपने नहीं रखा तो आपने कोई कमाल नहीं किया। तो इस वजह से मेरा माइंड उस तरफ जाता है, तो मैं एंटीक बाइक को बहुत पसंद करता हूँ और कार्स को भी। तो आज का सीन यूँ है कि भाई सुबह सुबह शूट कर रहे हैं क्योंकि रात में दिन में शाम में टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। आई होप क्या आप लोग के भी रमज़ान अच्छे जा रहे हों, रोज़े अच्छे गुजर रहे हों, लेकिन मेरा जो टाइम शेड्यूल है वो बहुत टफ चल, तो रमज़ान में सिर्फ सुबह के टाइम पे ही मुश्किल से टाइम निकल पाता है। और बात यह है कि अब हम आते हैं पॉइंट पर, इसके लिए मैंने आज ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग दी वन एंड ओनली बाइक विच आई ओन इन पाकिस्तान। आई मीन दैट दिस बाइक वन एंड ओनली इन होल पाकिस्तान। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी कावासाकी KX80। दिस बाइक इज अ मोटोक्रॉस डर्ट बाइक एंड अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको बाइक की तरफ लेके चलता हूँ, बाइक दिखाता हूँ, फिर आपको प्रॉपरली समझाता हूँ कि ये क्या चीज़। क्यों ना कुछ सिनेमैटिक्स हो जाए, पहले सिनेमैटिक्स कर लेते हैं फिर हम आपको बाइक की तफसील बताएंगे, ठीक है? तो देखिए, guys, this is the precious gift which I am presenting in this vlog, the one and only Kawasaki KX80. This bike is the 11th bike in my bikes collection. वो बाइक हैं जो मेरी हैं, उन सब पे आपको स्कॉर्पियन इंटरप्राइजेस लिखा हुआ दिखेगा। बाइक पूरी जेन्युइन कंडीशन में है। अगर हम बात करें फेयरिंग की तो ये प्लास्टिक की इसकी फेयरिंग है। अच्छा, बात अगर हम करते हैं कावासाकी KX80 की तो ये 1979 से लेकर 2000 तक आई है। ये 99 मॉडल है और 99 मॉडल में सिर्फ इसका फ़र्क है, इसके साइड कवर्स का, और 2000 में ये थोड़े से और शार्प हैं और थोड़ा सा इसका फ़र्क है और स्टिकरिंग का, ठीक है? अगर हम बात करते हैं इसके टायर्स की, टायर से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो ये ऑफ रोड बाइक है, इट्स अ डर्ट बाइक, इट्स अ मोटोक्रॉस, इट्स अ स्टंट मशीन, और ये ऑन रोड बाइक नहीं है, ये ऑफ रोड बाइक है। इसमें ऑफ रोड टायर्स डले हुए, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो उसमें देखें लिखा हुआ है नॉट फॉर हाईवे यूज़। तो ये स्टंट मशीन है, स्टंट्स के लिए यूज़ होती है, और ये जो आपकी रैलीज़ होती हैं चोलिस्तान वगैरह की रैली, इन सब में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और अगर आपको इसको ऑन रोड बाइक बनाना है तो आपको सुपर मोटो वाले टायर डालने पड़ेंगे, या तो फिर आपको इसमें ऑन रोड वाले जो टायर अगर जो मिलते हैं वो आपको डालने पड़ेंगे, तो फिर ये आपको रोड पे और मज़ा कराएगी। अगर हम इसके इंजन की बात करते हैं तो इसका जो इंजन है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट है 79 cc, मतलब 80 cc। तो ये पावर वाल्व इंजन है। अच्छा, पावर वाल्व के साथ साथ ये एयर कूल्ड इंजन नहीं है, ये वाटर कूल्ड इंजन है। इसका भी रेडिएटर है, इसमें पानी डलता है, लेकिन हम पानी नहीं डालते, हम इसमें कूलेंट डाल के इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर कूलेंट डलेगा तो रेडिएटर भी खुश रहेगा, इंजन भी खुश रहेगा और बाइक भी खुश रहेगी, और फिर हम भी खुश रहेंगे। तो अच्छा, अगर हम इसके पावर वॉल्व की बात करें तो पावर वॉल्व से मुराद ये है कि पावर वॉल्व इसमें जो डाले गए हैं वो इसकी स्पीड को इन्हेंस करने के लिए डाले गए हैं।
अच्छा, तो पावर बॉल्ब की एक लिमिटेड स्पीड होती है जब ये खुलते हैं, मतलब पावर बॉल्ब ऐसे होते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, पर ये यूँ खुलते हैं तो बाइक और तेज़ भागती है। तो मैं अगर आपको दूसरी साइड से दिखा सकूँ तो ये देखिए, ये इसका इंजन है और यहाँ आई थिंक इधर इसके पावर बॉल्ब होते हैं। इसमें सीन ये है कि जब 80 की स्पीड पर आपकी बाइक रन कर रही होती है तो एक पावर बॉल्ब खुलता है, फिर 80 से अबव जा रहे होते हैं आप तो फिर ये दूसरा पावर बॉल्ब खुलता है। और फिर इसमें ये क्वालिटी है कि फिर आप इसको जितना चाहें उतना भगा लें, जितना चाहें उतना भगा लें। मैंने ख़ुद इसको DT175 जो आती हैं यामाहा की, उनके साथ इसको मैंने भगाया है और माशाल्लाह ये उनको बीट कर दी है। अच्छा, तो अगर हम बात करें इसके पावर बॉल्ब से हट के इसके इंजन की, तो इसका जो इंजन है आप देख सकते हैं कितना ड्राई है और कितना क्लीन है। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई, ये 99 मॉडल है और अभी तक ये इसको ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो चुके हैं। इसका इंजन अगर बात की जाए तो ये 2-स्ट्रोक इंजन है इसका, ठीक है। आपके सामने बाइक टोटली जेन्युइन है, अपने इंजन पर है और अपने चेसिस पर। अब 2-स्ट्रोक की ये बीमारी कह लें या आप ये कह लें कि भाई इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसका जो ऑयल होता है इंजन का वो टपकता है या इसमें सेम होती है, इंजन गंदा होता है, ज़रूर होता है, कोई ना कोई ये ऑयलिंग की कोई ना कोई इशू होता है इसके अंदर। लेकिन आपके सामने के कितना ड्राई इंजन है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक स्टिल ब्रांड न्यू कंडीशन में जैसी ये आती है। अच्छा, अगर हम इसके साइलेंसर की बात करें, बस की बफिल की बात करें, तो इसका जो ये पूरा साइलेंसर है ये मैट ब्लैक में भी आता है, लेकिन ये वाला क्रोम में है, ठीक है, जेन्युइन क्रोम पर। और इस पर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरी स्पेसिफिकेशन लॉज इसमें पूरे लिखे हुए हैं, ये जेन्युइन की निशानी है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी बफिल की, तो FMF की ओरिजिनल बफिल है जो कि अराउंड कॉस्ट करती है 16,000 आई थिंक। बिल्स के पाइप हैं इसके, बिल्स पाइप लगे हुए इसमें, और ये रियर जो लुक है इसका ऐसा है बाइक का। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके ब्रेक्स की, तो इसमें डिस्क ब्रेक्स आएँ रेयर भी और फ्रंट पर भी इसके रेयर ब्रेक्स आएँ। अगर हम इसकी जम्प्स की बात करें तो इसमें अपसाइड डाउन जम्प्स आएँ, 1999 मॉडल और 2000 मॉडल में आए अपसाइड डाउन जम्प्स। और डिस्क ब्रेक जो है वो 1995 तक ये सिर्फ आगे दे रहे थे और फिर ये बैक साइड पर नहीं दे रहे थे, पीछे नॉर्मल ड्रम था। फिर 96 के बाद से इन्होंने दोनों में फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स देना शुरू किए और 2000 तक ये कावासाकी KX80 आई है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसके फ्रेम की, तो इसका फ्रेम आप देख सकते हैं कितना थिक है और अपने ओरिजिनल कलर पर है, और ये वाकई में एक गिफ्ट है अगर मेरी नज़र में तो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके रियर जंप यानी मोनोशॉक की, तो ये लगा हुआ मोनोशॉक। अच्छा, मोनो की अगर उसका मोनो, इसके मोनो कलर, इसके रिम्स का कलर और इसके हैंडल का कलर, ये दोनों, ये सब चीज़ें ये सेम है, ये इसमें जो कंट्रास्ट मारा है इन्होंने। अच्छा, बाकी पूरी बाइक आपके सामने किस कलर में है। अच्छा, अगर हम इसके हैंडल पे आ जाएं तो ये तो यहाँ पे फ्लूट डलता है इसका, ये इसका एक्सीलेटर और ये इसका क्लच है, ठीक है। और ये ओरिजिनल इसकी ये ग्रिप्स लगी हुई हैं, ठीक है, हर चीज़ जेन्युइन है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। टायर्स इसके स्टिल ब्रांड न्यू टायर्स हैं और ये इसकी वाटर बॉडी है। अगर इंजन की बात करते हैं हम तो ये नीचे बकायदा शील्ड लगी हुई है इसमें, ओरिजिनल जो शील्ड आती है, ठीक है। और बाकी आपके सामने हर चीज़। अच्छा, अगर हम बात करें इसे गियर्स की, तो इसमें टोटल 4 गियर हैं, जैसा कि होता है कि एक आगे डलता है गियर, बाकी के 3 पीछे डलते हैं गियर और सारे गियर आगे निकलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो मोटोक्रॉस होती है उसके अंदर स्टैंड नहीं आता, बैक लाइट नहीं आती, इंडिकेटर्स नहीं आते, ना ही और ना ही उसमें हेडलाइट आती है। अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करें इसके पिछले झूले की और इसके ये देखें, ये चेन और इसका टेंशनर और ये स्टैंड मैंने खुद से बनवाया है, पोर्टेबल स्टैंड है ये यहाँ से आप जब चाहे निकाल सकते हैं, तो फिर ये वापसी जेन्युइन उस पर आ जाएगी। अच्छा, जाता हूँ मैं बता रहा था आपको मोनो का,
तो ये जेन्युइन हाइट पर है पूरी बाइक, और जेन्युइन जम्स हैं इसके अंदर, कुछ भी मॉडिफाई नहीं हुआ है, स्टिल ओरिजिनल कंडीशन पर है बाइक। और इसका अगर हम टैंक की बात करते हैं, फ्यूल टैंक की, तो ये 5.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और साथ साथ ये जो आप ये अक्सर लोग पूछते हैं, यार ये क्यों लगा हुआ है पाइप, तो असल में ये है मोटोक्रॉस डर्ट बाइक, और स्टंट मशीन कह लें या कुछ भी कह लें, क्योंकि ये जब बाइक चलती है तो ज़ाहिर है बाइक हिलेगी, हिलेगी तो अंदर बाकायदा इसमें वैक्यूम बनता है, वैक्यूम अगर बाहर रिलीज़ नहीं करते हैं तो फिर ये टैंक फटने का ख़तरा है और आँख भी लग सकती है, तो इसलिए पाइप दिया गया ताकि इसका वैक्यूम बाहर रिलीज़ हो सके। और मैं क्या बताऊँ आपको इस बाइक के बारे में, ये मेरी तो पसंदीदा बाइक है, बस ये है कि मैंने YZ250 अब इम्पोर्ट करनी है, तो इस वजह से मैं अब इसको अब सेल आउट करूँगा, और हो सकता है जिसको सेल आउट करूँ फिर YZ आने के बाद मैं इसको वापसी भी ले लूँगी, ये चीज़ है नहीं ऐसी सेल करने वाली, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने भी मुझसे बोला है कि भाई दे दें इसको मुझे, और अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकता है, और मेरी इंस्टाग्राम जो यूज़र नेम है वो हैदर व्लॉग्स के नाम से है, जैसा कि मेरा चैनल है, जिस नाम पे मेरा चैनल है। और ये बाइक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बाइक है, दी कावासाकी KX80। ये वाकई में एक स्टंट मशीन है, लेकिन मैंने आज तक इस पर कोई स्टंट नहीं किया है, तो प्रोग्राम ये सोचा है मैंने कि आज इस पर कोई क्रेजी सीन कर ही देते हैं, इसको कुछ कीड़ा हमें काट रहे हैं तो हम इस कुछ ना कुछ करते हैं कोई सीन, ठीक है। हाँ तो आप चलते हैं और आपको इसका साउंड दिखाते हैं कि इसका साउंड कैसा है, 2 स्ट्रोक वाला साउंड है बिल्कुल YZ जैसा, तो अब चलते हैं इसका साउंड चेक करते हैं, और इस पर थोड़ी विली शिली की आपको मतलब थोड़ी अब मुझे कीड़ा काट रहा है इसमें कुछ ना कुछ करते हैं, तो बस चलते हैं और इसको फिर उठाते हैं कि भाई ना कुछ कीड़ा, समझ रहे हैं ना, विली विली शिली मार के चेक करते हैं और कहीं ऊपर नीचे चढ़ाएंगे, फिर भाई स्टंट मशीन है, स्टंट मशीन, इसको अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो ये फिर ये रोती है, फिर ये बोलते दादा यार आपने कुछ किया नहीं यार, मुझे फजूल में रखा यार, क्या मतलब यार क्या, बस तो अब इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेट्स गो गाइस, तो चलें फिर। इसका पहले पेट्रोल खोल लें, फ्यूल इसका ये 2 स्ट्रोक का, तो ये एक शुरू से रहा है कि पेट्रोल जब बाइक बंद करें तो पेट्रोल ही फॉर बंद करें वरना ओवर करती है, तो हमने बंद कर देते हैं, अब खोल लिया तो अब स्टार्ट मारते हैं, चेक करें साउंड, चेक किया आपने साउंड, एक मिनट आपको बफिल से चेक करा दें, को ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को इस तरह की और बाइक्स भी दिखाता रहूं, और अभी मेरी कलेक्शन में और भी बाइक्स हैं, जैसे ये 11 बाइक है, और इंशाल्लाह ताला आपको ऐसी बाइक दिखाऊंगा जो यहां पर नापैद है, ठीक है, नापैद समझते हैं ना कि यानी जो अब नहीं मिलती, देखने तक तो नहीं मिलती, वो बाइक्स मैं आपको अब दिखाऊँगा, बस अगर आप लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं आप लोग को इसी तरह और भी यूनिक चीज़ें दिखाता रहूँ, सो लव यू गाइस।